जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और ब्लॉग लेकर आई हूं और ये ब्लॉग मैं इवनिंग से शूट कर रही हूं। अभी मैं लड्डू गोपाल जी के लिए फूल तोड़ने जा रही हूं। यहां सोसाइटी में काफ़ी सारे फूल हैं, तो चलिए मैं आपको भी लेके चलती हूँ मेरे साथ। आ जाइए। और अब मैं फूल तोड़ के आ गई हूँ और अब हम कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास दो लड्डू गोपाल हैं, एक हमारे हैं और एक मेरे सिस्टर इन लॉ अपने साथ लेकर आई थी। और अब हम लड्डू गोपाल जी का रात को जन्म कराने के लिए इनको यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। इनको इस टोकरी में रख कर फूलों से ढक देंगे और फिर रात को 12 बजे इनका जन्म होगा। और अब मैं कान्हा जी के भोग की तैयारी कर रही हूँ, चेंज करके फिर आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक। मैंने कान्हा जी का भोग बना लिया है और मैं तैयार भी हो गई हूँ। और अब हम सब लोग मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारी सोसाइटी में एक सुंदर सा मंदिर भी है, तो चलिए आपको भी मैं दर्शन के लिए अपने साथ लेके चलती हूँ। हम घर आ चुके हैं मंदिर से और 12 बजने में अब सिर्फ 5 मिनट और अब हम कान्हा जी का जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं कि हम किस तरीके से कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। अब हम कान्हा जी को फूलों से निकाल रहे हैं। एक प्रथा अनुसार एक सिक्के से खीरे के ऊपरी भाग को काटकर इनका जन्म कराया जाता है। इसके बाद हम पंचामृत से इनका स्नान कराएंगे और फिर इनका श्रृंगार करेंगे।
अब हम कान्हा जी को नए वस्त्र पहना रहे हैं और इनका श्रृंगार कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कान्हा जी को तुलसी जी अति प्रिय है, इसलिए कान्हा जी को हम तुलसी जी की माला पहना रहे हैं। और ये है हमारे कान्हा जी का भोग। कान्हा जी के जन्मदिन पर मैंने कान्हा जी को ये चरण पादुका गिफ्ट करी है और दीदी ने ये बांसुरी गिफ्ट करी है। और अब मैं कान्हा जी की आरती की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैं कान्हा जी को झूला झूला रही हूँ। एंड गाइस, ये सुंदर सा झूला मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाया है। गाइस, पूजा हमने कर ली है और व्रत मैंने खोल लिया है और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको ये कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए हॉल वीडियो या ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।